बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्लास 8 मैथमेटिक्स, डोमेन 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस, सब डोमेन 3 स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.8 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि नीचे दिए गए गिवन पार्ट्स का हमने स्क्वायर रूट जजरुल मुरबा निकालना है और उसका आंसर 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। तो हम इन पार्ट्स का जो आंसर निकालेंगे वो 3 डेसिमल प्लेस तक निकालेंगे और थर्ड डेसिमल नंबर को देखकर 2 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड कर देंगे। यानी कि अगर थर्ड डेसिमल नंबर 5 या 5 से ग्रेटर हुआ तो हम पीछे वाले यानी कि सेकंड डेसिमल नंबर के अंदर एक ऐड कर देंगे। अगर थर्ड नंबर 5 से लेस हुआ तो सेम एज इट इज सेकंड नंबर रहेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन की तरफ। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.8 क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट दोबारा से रीड कर लेते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए पार्ट्स का अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस तक यानी कि पॉइंट के बाद इशारे के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक, 2 डिजिट्स तक हमने आंसर निकालना है स्क्वायर रूट का। अब 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकालने के लिए हम आंसर इसका 3 डेसिमल प्लेस तक निकालेंगे और उसके बाद उसे 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड कर देंगे। तो आइए चलते हैं स्क्वायर रूट यानी कि जजरुल मुरब्बा निकालने की तरफ। तो फोर्थ पार्ट गिवन है 63.34 63.34, हम 63.34 इसका स्क्वायर रूट लगा लेंगे। अब इसको डिवीजन मेथड से यहां पर सॉल्व करेंगे। 63.34 इसको रूट डिवीजन से यानी कि जजरी तकसीम से हम सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हैं कि पॉइंट जो है ना वो ऐसे खुलता है हमारे पास, यानी कि जो पॉइंट के लेफ्ट साइड पर होती हैं वो लेफ्ट साइड पर पेयर्स बनते हैं और जो राइट साइड पर होती हैं वो राइट साइड पर पेयर्स बनते जाते हैं। जितने ज्यादा होंगे उतने ही पेयर्स बनते जाएंगे। अब यहाँ पर 63 हमारे पास फर्स्ट पेयर है। हम देखेंगे कि ये किस पर डिवाइड होता है। अगर हम 8 और 8 को इस्तेमाल करते हैं तो 8 8 64, 8 8 64 होते हैं जो कि 63 से ज्यादा हो जाएगा। लिहाजा हमें 7 यूज करना पड़ेगा। हम यहां पर भी 7 लगाएंगे, 7 7 49 माइनस करेंगे। 3 में से 9 माइनस नहीं होता, ये 6 से कैरी लेगा। 6 कैरी देकर इसको खुद 5 रह जाएगा और इसे 13 बना देगा। अब 13 में से 9 माइनस करें तो 4 बचेगा रिमाइंडर, और यहाँ 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर आया। इसके बाद आगे हम चलेंगे तो पॉइंट आ गया है। अब जब पॉइंट आ जाएगा तो आंसर में भी हम पहले पॉइंट लगाएंगे फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर हमारे पास है 3 4, ये 3 4 जो है ये हमारा पेयर ही नीचे आएगा। रूट डिवीजन के अंदर पेयर की शक्ल में नंबर नीचे आते हैं। ये हमारे पास 1 4 3 4 हो गया। इसके बाद हम इसको यहाँ पर डबल करके लिखते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया है। 7 को डबल करेंगे तो ये बनेगा 14। अब 14 के साथ यहाँ पर और यहाँ पर कोई नंबर लगेगा जिससे हमारा आंसर या तो 1434 से लेस है या इसके इक्वल है। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 14 के साथ हम 8 लगाते हैं और इधर भी 8 लगाना पड़ेगा। 8 8 64 8 64 64 का 4 लगा, 6 कैरी आ गया। 8 4 32 32 में 6 प्लस किया 38 38 का 8 यहाँ पर लिखेंगे, 3 कैरी आ गया। 8 1 8 8 में 3 ऐड किए तो 11। अब ये 1 1 8 4 ये इसे काफी छोटा है नंबर, तो इसके लिए हम 9 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि अगर वो ज्यादा करीब हुआ तो हम 9 को ही लेंगे। 9 से मल्टीप्लाई करने लगे, 9 9 81 81 का 1 लगेगा, यहाँ पर 8 कैरी आ गया। अब 9 4 36 9 4 36 और 36 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो 44, यहाँ पर 44 का 4 लगेगा और 4 कैरी आ जाएगा। 9 1 9 और 9 में 4 ऐड करेंगे तो 13, ये हमारे पास 13 41 1341, ये करीब तरीन आंसर है। तो हम इसको 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 9 लगाएंगे, यहाँ पर भी 9। 149 को जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया था 1341। माइनस करेंगे, 4 में से 1 माइनस किया 3 रिमाइंडर, 3 में से 4 माइनस नहीं होता, ये 4 से कैरी देगा। 4 इसे कैरी देने के बाद खुद 3 रह जाएगा और इसको 13 बना देगा।
13 में से अगर 4 माइनस करें तो 9 रिमाइंडर बचता है, 3 में से 3 माइनस किया 0, 1 में से 1 माइनस किया 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमने पॉइंट लगाया हुआ है तो हम जितनी जीरोस चाहे लगा सकते हैं क्योंकि इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती। हमने डेसिमल्स में, क्योंकि 3 डेसिमल्स तक हमने आंसर निकालना है, तो लिहाजा हम जीरोस लगाते जाएंगे और प्रोसेस करते जाएंगे जब तक कि 3 डेसिमल तक नहीं पहुंच जाते। अब ये डबल जीरोस जाएंगे नीचे उतार लेंगे, ये 9300, ये हमारे पास आ गया। हम इसको अब डबल करके लिखते हैं आंसर को, तो 79 है, हम इसको 79 को जो पॉइंट है शायद ये है इसको इग्नोर करके डबल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके भी डबल कर सकते हैं। 9 प्लस 9 18 का 8 लगेगा, 1 कैरी, 7 प्लस 7 14, 14 में 1 ऐड के 15, ये हमारे पास 158 आ गया। यहां पर हम 158 लिखेंगे। अब 158 के साथ यहां पर और यहां पर कोई सेम नंबर लगाना है कि आंसर 9300 या उससे कम आए, तो 158 यहां पर लिखने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 6 पर, इधर भी 6 लगेगा और इधर भी 6 लगेगा, सॉरी यहां पर 6 नहीं आता, इस जगह पर 6 लगेंगे, 36 का 6 लगा, 3 कैरी, 6 8 48, 6 8 48, 48 में 3 ऐड करेंगे तो 51 का 1 लगेगा और 5 कैरी, 6 5 30 और 30 में 5 ऐड करेंगे तो 35 को 5 लगाने के बाद 3 कैरी आ गया, 6 1 6 और 3 ऐड करेंगे तो 9, ये हमारे पास 9516 बन गया जो कि इस 9300 से ज्यादा है, लिहाजा हमें किसी स्मॉलर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 158 के साथ हम अब 6 की जगह पे 5 लगा रहे हैं, 5 5 25 25 का 5 लगेगा 2 कैरी, 5 8 40, 5 8 40, 40 में 2 ऐड करेंगे तो 42, 42 हो जाएगा, 2 लगेगा यहाँ पर और 42 का 4 कैरी आ जाएगा, 5 5 25 25 में 4 ऐड किए तो 29 का 9 लगाएंगे यहाँ पर और 2 कैरी आएगा, 5 1 5 और 2 ऐड किया तो 7, ये हमारे पास 7925 हमारे पास आंसर आया 5 से मल्टीप्लाई करने से। यहां पर भी 5 लगाएंगे और यहां पर भी 5 लगाएंगे, इससे हमारे पास आंसर आया 7925। माइनस करेंगे, 0 में से 5 माइनस नहीं होता, ये इससे कैरी मांगेगा, ये खुद 0 है कैरी नहीं दे सकता, ये 3 से कैरी मांगेगा, 3 इसको कैरी देकर 10 बना देगा और खुद 2 रह जाएगा। अब ये 10 इसको कैरी दे सकता है, ये इसको 10 बना देगा और खुद 9 रह जाएगा, 10 में से 5 माइनस किए तो 5 रिमाइंडर बचा, यहां पर 9 है, 9 में से 2 माइनस किए 7, अब यहां पर है 2 क्योंकि रिमाइंडर ये कैरी दे चुका था ये, तो यहां पर 2 जो है ना हमारे पास रिमेनिंग नंबर है, 2 में से 9 माइनस नहीं होता, ये 9 से 1 कैरी लेगा, 12 हो जाएगा, 12 में से 9 माइनस करें तो 3 रिमाइंडर आएगा, ये कैरी देने के बाद 8 रह गया है, 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर। इसके बाद अब देखें आप, हम 2 डेसिमल्स तक इसका जो आंसर निकाल चुके हैं लेकिन हम 3rd डेसिमल तक भी निकालेंगे ताकि हम इसको 2 डेसिमल तक राउंड कर सकें। तो ये वाला नेक्स्ट जीरोस का पेयर लगा के नीचे उतारेंगे, ये हमारे पास 137500 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हर दफा इसको डबल करके लिखते हैं 795, पॉइंट इग्नोर करके 795 को डबल करके लिखेंगे, 5 प्लस 5 10 10 का 0 लगा, 1 कैरी, 5 और उसके बाद 9 प्लस 9 18 18 में 1 ऐड किया तो 19 का 9 लगेगा, 1 कैरी और 7 प्लस 7 14 14 प्लस 1 15, ये 1590 1519 1590, ये यहां लिख लेने के बाद अब यहां पर और यहां पर सेम कोई नंबर इस्तेमाल करना है जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारा 137500 या फिर 1,37,500 इतना आए या इससे लेस आए, तो हम 1590 इसके साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। हम अगर यहां पर 7 यूज करते हैं तो देखते हैं आंसर क्या आता है,
सेवन सेवन का 49, 49 का 9 लगेगा, 4 कैरी, 7 जीरो का 0, 0 में 4 ऐड करेंगे 4, 7 9 का 63, 7 9 63, 63 का 3 लगेगा यहां पर और 6 कैरी आएगा, 7 5 का 35, 35 में 6 ऐड करेंगे तो 41, 41 का 1 लगेगा यहां पर और 4 कैरी आ जाएगा, 7 1 का 7 और 7 में जब 4 ऐड करेंगे तो 11, ये हमारे पास 1,11,349 आया है। अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करके देखें तो देखते हैं आया कि आंसर करीब है या इसे ज्यादा हो जाएगा। हम यहाँ पर 1590 यहाँ पर 8 लगाकर देखेंगे, 8 8s का 64, 64 का 4 लगाएंगे 6 कैरी आएगा, 8 0s का 0, 0 में 6 ऐड किए 6, 8 9s का 72, 72 का 2 लगेगा और 7 कैरी आ जाएगा, 8 5s का 40, 40 में 7 ऐड करेंगे तो 47, 47 का 7 यहाँ पर लगाएंगे और 4 कैरी आ जाएगा, 8 1s का 8 और 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा हमारे पास। अब ये हमारा जो आंसर आ रहा है ये मजीद करीब तक आंसर है, लेकिन हम इसकी बजाय एक दफा 9 से भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि आया कि 9 से मल्टीप्लाई करने से इससे भी ज्यादा आंसर करीब आता है या फिर 8 को ही यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 1590 यहाँ पर भी 9 लगाएंगे, यहाँ पर भी 9 लगाएंगे, 9 9 इज द 81, 81 का 1 लगा, यहाँ पर 8 कैरी आया, 9 0 इज द 0, 0 में 8 ऐड किया तो 8 ही आएगा, 9 9 इज द अगेन 81, 81 का 1 लगेगा यहाँ पर 8 कैरी आएगा, 9 5 इज द 45, 9 5 45, 45 में 8 ऐड करेंगे तो 53, 53 का 3 यहाँ पर लगाएंगे 5 कैरी आ जाएगा, 9 1 द 9 और 5 ऐड करेंगे तो 14, ये 1,43,000 इससे एक्सीड कर रहा है ये आंसर, लिहाजा हम इस वाले नंबर को नहीं लेंगे 9 को, हम इस वाले नंबर को दुरुस्त कंसीडर करते हुए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 8 लगेगा, यहाँ पर भी 8 लगेगा। अब 15908 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर 127264, इसको माइनस करके रिमाइंडर निकालेंगे, जीरो में से 4 माइनस नहीं होता, ये इसे कैरी मांगेगा, इसके पास भी नहीं है, खुद जीरो है, ये 5 से कैरी लेगा, 5 इसे कैरी देकर 10 बना देगा और खुद 4 रह जाएगा। अब ये 10 इसको कैरी दे सकता है, ये कैरी देने के बाद इसको 10 बना देगा, खुद 9 रह जाएगा, 10 में से 4 माइनस किया 6, 9 में से 6 माइनस किया 3, यहाँ पर 4 है, 4 में से 2 माइनस किया 2, 7 में से 7 माइनस किया 0, 3 में से 2 माइनस किया 1, 1 में से 1 माइनस किया 0, 1 0 2 3 6 ये हमारा रिमाइंडर है और अभी डिवीजन कंटिन्यू है, जारी है, ये हमारा 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर आया है। हम इसको राउंड करके लिखेंगे 2 डेसिमल प्लेस तक तो 7.958 कंटिन्यू। अभी इसको हम राउंड करने लगे हैं 2 डेसिमल प्लेस तक, 2 डेसिमल प्लेस तक लिखने से पहले हम थर्ड वाले को देखते हैं कि थर्ड वाला जो है वो डेसिमल नंबर आया कि 5, ये 5 से ग्रेटर है, अगर वो ग्रेटर हो तो पीछे वाले को कैरी देता है, यानी कि 5 को कैरी देकर 6 बना देगा, 8 है क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है, अगर ये लेस होता 5 से तो फिर इसको कैरी ना देता, ये 5 सेम एज इट इज रहता, लिहाजा इसको कैरी मिलेगा तो 7.96, ये हमारा 2 डेसिमल प्लेस का आंसर आ गया है। लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक के एंड में जो आंसर दिया हुआ है वो 7.95 गिवन है, ये आंसर अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, ये भी 2 डेसिमल तक ही आंसर है, 2 डेसिमल प्लेस तक, लेकिन इसमें फर्क क्या है, देखें जो असल एक्चुअल प्रोसेस है वो यहां तक है कि ये वाला हमने करने के बाद इसको राउंड किया है, 3 डेसिमल तक निकालने के बाद इसको राउंड करके लिखा है, और उसकी रीजन भी ये है कि हम इस चैप्टर के स्टार्ट में डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ चुके हैं, उनका पढ़ने का मकसद ये था ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में उनको इम्प्लीमेंट कर सकें,
तो लिहाजा यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। जो बुक ने आंसर निकाला है आपका, उसने यहाँ 9.5 यहाँ तक डिविएट करने के बाद रोक दी है और आंसर डायरेक्ट 2 डेसिमल प्लेस तक लिख दिया है, इसी वजह से हमारे आंसर का डिफरेंस है। तो एक्चुअल प्रोसेस जो है क्वेश्चन का वो ये है, अगर आप 7.95 2 डेसिमल प्लेस तक निकालेंगे तो ये भी दुरुस्त कंसिडर होगा। आज हमने एक्सरसाइज 1.8 क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट सॉल्व किया है, जिसमें हमने 2 डेसिमल प्लेस तक स्क्वायर रूट का आंसर निकाला है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। थैंक यू।